हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रभजोत। अगेन मैं थोड़े नाल अज एक GT दी रीडिंग लेके आई हाँ, जिस मैं थोड़े नाल फिलअप सॉल्व करूँगी। होप यू विल लाइक इट एंड प्लीज़ कमेंट सैक्शन जरूर दस्या करो मैनू कि थोड़ा मेरी रीडिंग किदा दी लग रही है। नाल दी नाल ये बेनीफिट अकैडमिक वाले लिए भी है, जिहड़े बिल्कुल बिगिनर ने, जिन्हों बिल्कुल आइडिया नहीं है भी लोकेशन कित्थे पई है। अज मैं थोड़े नाल एक बहुत अच्छी वीडियो शेयर करन जा रही हाँ, जिस दे विच मैं थोड़े नाल 15 to 17 क्वेश्चन जिहड़े बैक साइड ते थोड़ा दिख रहे हैं वह सॉल्व करूँगी। और फॉर GT स्पैशल मैं इस GT रीडिंग का नाम अनाउंस कर रही हूँ, तुसी साइड बाय साइड खोल के इनू नाल चेक कर सकते हो। सो इस रीडिंग का नाम है इंप्लॉइज हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पोंसिबिलिटीज, जिसके कुछ 3 क्वेश्चन सानू दते हुए ने फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ध्यान रखना है मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन पहले सॉल्व करूँगी। करना की है आपां सिर्फ ये देखना है कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन की डिमांड की है। डिमांड तो बाद असी डायरेक्ट पिछे चले जाएंगे अपने पैसेज के उत्ते। सो ध्यान नाल GT स्टूडेंट्स, सो साडा क्वेश्चन सी, क्वेश्चन की हैडिंग देखनी बड़ी जरूरी है। इत्थे सीगा इंप्लॉइज द राइट्स की ने, क्या राइट्स है, किस बिहाव देते हो अपनी कोई भी चीज़ जी सामने अपने इंप्लॉयर्स के सामने रख सकते हैं। फर्स्ट है आर एस्टैबलिश्ड बाय, कि द्वारा बनाया गया एंड इनकलूड्स द फॉलोइंग डॉट। ये जो डॉट ने बहुत फायदा देंगे ने, थोड़ा पता लगता है कि अच्छा उत्थे उन्होंने लिखा होएगा आर डॉट या कुछ लिखा होएगा हाइफन लग। सो इदा ही जिमें द नेम ऑफ द कंट्रीज आर चाइना इंडिया इदा करके देंगे सी। इतने भी सिमिलर वे उन्होंने डॉट लगाया, उस तो बाद पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 दे दिता। इस दे जिहड़े 4 आंसर्स ने ये थोड़ा रिस्पोंसिबिलिटी पैराग्राफ के उत्ते मिलेंगे। गौर करना, अगर तुसी नाल दी नाल देखना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो नू अगे पिछे करके देख सकते हो। असी आंसर्स राइट्स एंड रिस्पोंसिबिलिटीज़ के विच लगभगे। और साडी लोकेशन है पहले क्वेश्चन की आर एस्टैबलिश्ड बाय, कि द्वारा बनाया गया अते यह क्या चीज़ें इनकलूड कर रहा है। जस्ट ए वाला आ गया साढ़े को फर्स्ट पॉइंट। सो आज साडा पैराग्राफ इतों शुरू हो रहा है। यह है यदा नाम इंप्लॉइज हैल्थ एंड सेफ्टी रिस्पोंसिबिलिटीज़। मैं थोड़े ना जिक्र किया योर रिस्पोंसिबिलिटीज़, योर कौन, तुम एज ए इंप्लॉई उत्थे काम कर रहे हो तो इंप्लॉई की रिस्पोंसिबिलिटीज़ आ गई। सैकेंड हैडिंग सी साढ़े को इंप्लॉइज की रिस्पोंसिबिलिटीज़, मतलब साढ़े आंसर्स ए पे ने कि 15 to 18 दे फॉर श्योर। इस तो बार साढ़े आंसर्स नहीं है। हूँ मैं थोड़ा एक चीज़ दसी सी जो मैं थोड़े वीडियो स्टार्ट कर रही थी, दैट इज़ जो मैं थोड़ा कंट्रीज़ का जिक्र किया कि डॉट दिते हो डॉट दिते हुए हैं। दैन उस तो बाद इतने साढ़े को वाला फर्स्ट पॉइंट पे है। अगर फर्स्ट पॉइंट इतने पे है तो जोड़ा सा क्वेश्चन नंबर है दैट इज़ 15, उसका आंसर इस लोकेशन के पे है फॉर श्योर। हुण तुसीं कहोगे मैम किद्दां, तुहानूं किद्दां पता लग्गिया वी आंसर इत्थे पिया है। अगर मैं ध्यान देवां उत्थे उन्होंने हाइफन पा के लिखिया सी, मैं तुहानूं नाल नाल दिखा भी दिंदी हां नीचे जाके। उन्होंने इत्थे लिखिया इंप्लॉयर्स शुड मैनेज एनी पोटेंशियल डेंजर टू देयर स्टाफ हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर मैं इत्थे जिक्र करा स्टाफ दे हेल्थ अते सेफ्टी बारे जिक्र होया, राइट। और इधर चलते हैं आपां, आ देखो जी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉइंट नंबर 1 दे विच, और 15 जिहड़ा साडा ब्लैंक दिता हुआ है वो इस तो बिल्कुल उत्ते पे है, मतलब आंसर की डिमांड होने फॉर श्योर। हूँ मैं थोड़ा लाइन कटती जाऊँगी, क्वेश्चन की डिमांड दोबारा दस रही है। क्वेश्चन की डिमांड सी आर एस्टैबलिश्ड बाय, कि द्वारा बनाया गया, सिर्फ यही पूछे, इस तो अलावा कुछ नहीं पूछे उन्होंने। नाल पूछा सी एंड इनकलूड द फॉलोइंग डॉट, इनकलूड वाले नु कढ़ दो, मतलब डॉट का मतलब की हो सकता है। क्वेश्चन के विच उन्होंने एंड लिखा हो सकता है, इतने डॉट के नाल सेंटेंस नु चेंज कर देंगे ने। सो असी सिर्फ डिमांड की है कि द्वारा बनाया गया, मैं पंजाबी ट्रांसलेट करूँगी, नाल नाल देखना। योर राइट्स, थोड़िया राइट्स एज एन इंप्लॉय, इंप्लॉय के तौर पर टू वर्क इन अ सेफ एंड हैल्दी इनवायरमेंट, तुसी काम करना है एक सुरक्षित अते वधिया एनवायरमेंट दे विच। क्या थानू लग्या इस लाइन का मतलब यह है कि भी हाँ उस बंदे ने या उस ऑर्गेनाइजेशन ने इनू एस्टैबलिश किया? नो, इतों कित भी नहीं पता लग रहा कि आर एस्टैबलिश्ड बाय कि द्वारा बनाया गया। नैक्सट चलते हैं अगे देखियो, आर सैट डाउन इन लॉ, इन्हों सैट किया गया लॉ दे विच। शायद यह आंसर हो सकता है, शायद, मैं श्योर नहीं हाँ, बट मैं इन्ना पता है कि इतने तक है। अगे पढ़ते हैं, अगे पंजाबी ट्रांसलेट करूँगी। एंड जर्नली मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज राइट्स आर, और जर्नली जर्नल भाषा के अगर गल करिए सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस राइट्स दियाँ क्या ने, क्या सानू पता लग्या भी इतों कि चीज़ बन रही है? साढ़े को सिर्फ एक वर्ड है ए वाला। हुण तुसीं कहोगे मैम एक सैकेंड हिंट भी दे दो, जिहदे नाल मैं अपना आंसर होर श्योर कर लाँ। उत्थे भी उन्होंने लिखा सी आर
एस्टैबलिश्ड बाय ए वर्ड से गए आर आर नाल मैच हो गया एस्टैबलिश्ड सेट डाउन दे नाल मैच हो गया बाय मेरा इन दे नाल मैच हो गया और एथोना का भी ब्लैंक पेयर साडा अगला वर्ड है लॉ सो इस तरीके नाल मेरे 15 दा आंसर हो जाएगा लॉ अगर इस तो बाद मैं थोड़े नाल आ जाओ साडे अगला सीगा हेल्थ एंड सेफ्टी कोई चीज़ है पता नहीं क्या चीज़ है मैं भी थोड़े नाल ही देखूंगी नीडेड फॉर इंप्लॉयज जो कि इंप्लॉयज वास्ते सानू चाहिए है टू वर्क सेफली सेफ तरीके नाल काम करिए शुड बी फ्री फ्री होनी चाहिए है लेट्स सी ऐसी क्या चीज़ है जिहड़ी फ्री होनी चाहिए है सो नाल दी नाल मैं थोड़े नाल पैराग्राफ चलूंगी अगे भी देख लैंदे आ इंप्लॉयज में इनफॉर्म दस सकते हैं इंप्लॉयज अपनी मैनेजमेंट नू आजो जी सेफली ली और ऐसी क्या चीज़ है जिहड़ी फ्री है लैट्स सी सो राइट्स दे विच सानू आंसर मिले है मैं अगों ध्यान रखदी हाँ असी अपना फर्स्ट पॉइंट इत्थे पढ़िया सी हेल्थ एंड सेफ्टी उस तो नीचे देखांगे उपर जाण दा कोई फायदा नहीं है बी केयरफुल देखते हैं फ्री चीज़ कि मिल रही है टू बी गिवन कोई चीज़ है जिहड़ी मिलेगी ऑफ एनी परसनल प्रोटेक्टिव कोई परसनल प्रोटेक्टिव वास्ते एंड सेफ्टी इक्यूपमेंट प्रोटेक्टिव भी है ध्यान भी रखांगे तो सेफ्टी वास्ते भी है क्या चीज़ है ऐसी इक्यूपमेंट है विदाउट बीइंग चार्ज्ड मतलब एदा की हो गया एदा मतलब हो गया फ्री केड़ी चीज़ फ्री मिलेगी इक्यूपमेंट ही फ्री मिलेंगे प्रोटेक्टिव कदे फ्री देखिए तुसीं खरीद दुकान जाके कदे खरीदे कि प्रोटेक्शन थानू फ्री मिली होवे सेफ्टी थानू फ्री मिली होवे कोई चीज़ होंदी है जिहदे पैसे ना लगन इट कैन बी लैपटॉप इट कैन बी कंप्यूटर इट कैन बी मोबाइल फोन मैं थानू दस्सिया सी कोई चीज़ उन्हां नू फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है और वह है साडा इक्यूपमेंट सो साडा इस तरीके नाल 16 दा आंसर हो जाएगा इक्यूपमेंट नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सी इंप्लॉयज मे इनफॉर्म इंप्लॉयज़ ने इनफॉर्म करना चाहिए मैं नाल दी नाल इत्थे थोड़े लिए क्वेश्चन नाल दी नाल इधर कर दिनी है ताकि थानू दिक्कत ना आवे मैं एक एक वर्ड थानू पंजाबी ट्रांसलेट कर पावां बी केयरफुल इंप्लॉयज़ में फॉर्म इंप्लॉयज़ इनफॉर्म कर सकते ने मैं किनू करना है मैनेजमेंट नू मैनेजमेंट कौन बैठे होणगे इंप्लॉयर्स हुण कईआं नू इह नहीं पता हुंदा इंप्लॉई ते इंप्लॉयर दे विच की फर्क है एक हुंदा इंप्लॉयर एक होंदा इंप्लॉई इत्थे फसे रह जांदे आ अद्धे जीटीए दे स्टूडेंट्स नूं इह नहीं पता लगदा कि दोनों दे विच फर्क की इस दा आंसर इत्थे लिखे आंदे आ इस दा आंसर इत्थे लिखे आंदे आ सो एज अ टीचर मैं इत्थे काम कर रही हाँ जिस इंस्टीट्यूट दे विच सो आई एम वर्किंग एज अ इंप्लॉई मेरे जिहड़े बॉस ने मेरे तो उत्ते जिहड़ी अथॉरिटी दे बैठी है जो मैनू इंस्पैक्ट करदी जो मैनू चैक करदी है दैट इज़ माई इंप्लॉयर माई बॉस बॉस इज इंप्लॉयर और जिहड़े उसे अंडर काम करनगे दैट इज इंप्लॉयज हुण इन्होंने डिमांड की सी क्वेश्चन की कि इंप्लॉयज अपनी मैनेजमेंट नू शायद इंप्लॉयर वर्ड भी लिखा हो सकता है लोकेशन पर इंप्लॉयर्स नू या अपनी मैनेजमेंट नू दस सकते हैं ऑफ एनी डैश किसी चीज़ बारे दे हैव रिलेटिड टू हेल्थ एंड सेफ्टी जो कि उन्हां दी सेहत दे रिलेटिड अते उन्हां दी सेफ्टी दे रिलेटिड है ऐसी कोई चीज़ जिहड़ी असी दसनी अपनी मैनेजमेंट नू जो कि उन्हां दी सेहत दे रिलेटिड है अते साडी सेफ्टी दे रिलेटिड है लैट्स सी ऐसी क्या चीज़ है सो लैट्स अगेन मूव टू दिस जिहड़ी चीज़ असी उन्हां नू दसनी है बी केयरफुल इत्थे स्टार्ट करांगे जित्थों आपां गए सीगे टू स्टॉप वर्क एंड लीव योर वर्क एरिया अगर तुसी अपना काम रोकना चाहते हो या लीव करना चाहते हो अपने वर्क एरिया नू विदाउट बीइंग डिसिप्लेंड डिसिप्लेन बिना रहे इफ यू हैव एनी रीजनेबल कंसर्नस अगर थानू कोई भी रीजनेबल कंसर्नस है अबाउट योर सेफ्टी टू टेल योर एम्प्लॉय अबाउट एनी सेफ्टी एंड हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्नस यू हैव इतने इन्होंने जोड़ा जिक्र किया अगर मैं थोड़े गल करा इतने इन्होंने दसिया भी अगर तुम काम से नहीं जाना या तुम लीव लैनी साडे क्वेश्चन की डिमांड नहीं सी साडे क्वेश्चन की डिमांड से सिर्फ कि तुम अपने इंप्लॉयर को क्या दसना है किस चीज़ बारे दसना है जो कि थोड़ी हेल्थ से सेफ्टी के नाल रिलेटिड है सो मेरी इस लाइन च आंसर नहीं सी क्योंकि इस लाइन च कित भी उन्होंने ये गल नहीं की भी हेल्थ और सेफ्टी की गल हुई होगी इस इन्होंने डिसिप्लिन की गल की है वर्क एरिया की गल की है वर्क की गल की है बट अगला अगर मैं पॉइंट देखूँ टू टैल योर इंप्लॉयर मैं दसिया मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं इंप्लॉयर भी लिख सकते हैं अबाउट एनी हेल्थ एंड सेफ्टी हेल्थ और सेफ्टी के कंसर्नस यू हैव जो थानू है दसो अपने इंप्लॉयर नू अगर थानू कोई भी हेल्थ और सेफ्टी के रिलेटिड कोई भी कंसर्न है सो हुण तुसी कहोगे अगर तुसी नाल दी नाल क्वेश्चन देखो मैं इत्थे अंडरलाइन करके थानू वर्ड्स दस रही हाँ इन्हां नू
जस्ट अ मिनट ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਦੇਖਦੇ ਜਾਇਓ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਡ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਮੇ ਇਨਫੋਰਮ ਐਨੀ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਡ ਸੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਸ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈਵ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਯੂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸੋ ਵਰਡ ਬਚਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨਸ ਸੋ ਯੋਰ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਸ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਹੋਪ ਯੂ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਇਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ GT ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਪਰੇਟ ਮੈਂ 1 by 1 ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈ ਪਾਓ